आत्मा भागलपुर द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से यहां संकर प्रभेद की कतरनी धान के बीज भी वितरित कराए गए। कतरनी धान के पौधे 155 से 160 दिनों में पककर तैयार होता है। चावल के दाने छुके होते हैं और इसकी खुशबू ज्यादा तेज होती है। इसमें एक विशेष स्वाद भी होता है। आत्मा के बताए इन नई तकनीकों और योजनाओं का लाभ ले आज कई किसान सालों भर कतरनी धान की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली है। कतरनी धान उत्पादन के महत्वपूर्ण बिंदुओं और सावधानियों पर आइए क्या कहना है इस कतरनी धान उत्पादक संघ के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद महतो का, जानते हैं इनकी राय। हमने एक दो बार जो है उसका बीज जो है सबौर कृषि कॉलेज से किसानों को 6-6 किलो मिला था, तो उसमें अच्छा फायदा भी मिला है, उत्पादन भी अधिक बढ़ी है, उसमें खुशबू भी अधिक आई है। प्रशिक्षण तो वही TMU में वहाँ सबौर कृषि कॉलेज में कुछ मिला था हम लोगों को कि बुआई जो है ना इससे जो आता है आद्रा नक्षत्र उस समय जो है ना इसमें जो हम लोग कादा करके उसे नहीं बोया जाता है, इसको अछारा हम लोग कहते हैं, इसको फुला के अंकुरित करके उसमें डालते हैं और ये लास्ट रोपा होता है। इसमें लगभग 150 मतलब 150 दिन लग जाता है टाइम के अनुसार, लेकिन सबौर कृषि कॉलेज में जो अनुसंधान किया है उसमें लगता है कि 10 दिन जो है ना ये कम हो गया है, पौधा भी छोटा हो गया है, लेकिन धान में खुशबू और उपज ज़्यादा हुआ है और इस समूह जो है यहाँ तक आत्मविश्वास है कि बहुत फूले फलेगा और इस विश्व लेवल पर हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा भागलपुर द्वारा यहाँ चलाए जा रहे कार्यक्रमों और कृषकों की उपलब्धियों सहित खेती के महत्व की चर्चा करते हुए आत्मा के तकनीकी कर्मियों ने यहाँ क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं कृषि विभाग से जैविक खेती के लिए प्रत्येक किसान को प्रोत्साहन कर रहे हैं और इसमें कतरनी के लिए सबसे विशेष जोर दे रहे हैं। अपने विभाग से हरी चादर योजना के लिए ये इस संघ को कम खाद और हरी खाद ढैचा मूंग के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसमें कतरनी के लिए पाठशाला आत्मा के द्वारा पाठशाला दे जा रहे हैं किसान को प्रोत्साहन के लिए पाठशाला और कीट व्याधि के लिए कोई तरह का अगर दिक्कत होते हैं तुरंत हम तैयार हो जाते हैं और प्रबंध करते हैं, बताते हैं और अपने उच्च पदाधिकारी से भी बात करके कोई तरह प्रॉब्लम होते हैं उससे बताते हैं और तुरंत लौट पर आके इसको समाधान करते हैं और किसी भी तरह का अगर बीज का भी हो तो तुरंत संघ को ही उपलब्ध कराते हैं। जैसे पानी का साधन हो, पटवन का साधन हो या बीज का साधन हो, जो भी हो, कुछ भी योजना आते हैं पहले विभाग में, पहले हम संघ को ही देते हैं, प्रोत्साहन संघ को ही देते हैं।